वेलकम टू नेक्स्ट पेपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 49,568 भर्ती की कट ऑफ के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली 27 और 28 तारीख को यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कट ऑफ इस बार जाने वाली है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। तो देखिए, जो टोटल रिक्रूटमेंट थी, टोटल भर्ती जो निकाली गई थी वो थी 49,568, और जिसके लिए फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं वो हुए 18 लाख। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, सारे बच्चे तो एग्ज़ाम नहीं दे पाते ना, तो 18 लाख से कम बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया होगा। अब जो इसमें सिविल पुलिस की भर्ती थी, सिविल पुलिस में जो कांस्टेबल की पोस्ट थी वो थी टोटल 31,360। इस 49,000 में से 31,360 तो थी सिविल पुलिस के कांस्टेबल की, और बाकी जो 18,208 हैं वो हैं रिजर्वड टेरिटोरियल आर्म में कांस्टेबल की। ओके, रिजर्वड टेरिटोरियल आर्मी में 18,208 हैं। तो अब ये जो 31,360 पोस्ट हैं सिविल पुलिस में कांस्टेबल की, इसमें से 25,260 ये तो है मेल के लिए, ये है मेल के लिए, और 6100 जो हैं ये हैं फीमेल के लिए, फीमेल के लिए हैं 6100। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम, ये तो हमने जान लिया। अब पेपर का लेवल देखते हैं, तो जो पेपर का लेवल था वो था हिंदी, जो थी वो तो काफ़ी इजी थी, सारे बच्चे काफ़ी अच्छा करके आए हैं हिंदी में, इजी थी हिंदी का लेवल, हर एक ने इजी ही बताया है। और जो जीके का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, इसको हार्ड भी नहीं कह सकते, एक्चुअली ये टाइम टेकिंग था। ओके, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था इस पर, अगर टाइम होता तो सारे बच्चे काफ़ी अच्छा कर सकते थे, लेकिन टाइम की कमी के कारण नहीं कर पाए। ओके, और यही हाल मैथ में रहा, मैथ भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, इसको भी हम हार्ड नहीं कहेंगे, ठीक ठाक था, लेकिन टाइम नहीं था, टाइम नहीं था तो कोई कैसे करता, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और फैक्टर्स पर बात करते हैं, जैसे कि इसमें वो जो निगेटिव मार्किंग जो थी, सॉरी, इसमें जो निगेटिव मार्किंग थी वो थी 1/3। 1/3 मीन्स अगर आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। ओके, ठीक ठाक थी ये माइनस मार्किंग, तो वीडियो में तो 1/2 थी। तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए 95 से 98 क्वेश्चन। ओके, 95 से 98 क्वेश्चन, जो कि 190 प्लस होता है, 190 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं जनरल मेल में तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए, अपने आप को सेफ जोन में समझिए। और ओबीसी जो हैं वो 92 टू 95 प्लस मार्क्स हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझें और फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल के लिए जैसे पहले जो अभी लेटेस्ट भर्ती हुई थी उसमें टाइम नहीं मिला बच्चों को बिल्कुल भी, एक दिन बाद ही उनको फिजिकल के लिए बुला लिया गया और कोई भी बच्चा, मोस्टली बच्चे दौड़ नहीं लगा पाए। तो उसी तरह से अब आपको क्या करना है, आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है। जनरल मेल अगर 190 प्लस हैं तो, ओबीसी मेल अगर 184 प्लस हैं तो, और अब हम एससी की बात करते हैं, एससी मेल 85 से 88, 85 to 88, 170 प्लस उनके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। और एसटी वाले 81 से 83, यानी कि 162 प्लस मार्क्स। अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 6100 सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व हैं, और इनकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 90 से लेकर 92 है। ओके, 90 से लेकर 92, 180 प्लस मार्क्स इनके हैं, तो ये अपने फिजिकल की तैयारी करें। तो
ये एक एनालिसिस था यूपीपी कट ऑफ का, कैसा लगा आपको ये, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर जाइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, इसके लिए बेल आइकन तो आपको प्रेस करना ही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।